तो भैया इंसिडेंट नंबर 3, पहला फोन गिरा। तो लास्ट वीडियो अपन ने यहीं पे क्लोज कर दिया था। तो अभी ट्रिप की प्लानिंग चल रही है, अभी मैं राइडिंग पैंट भी देख रहा हूँ, एक राइडिंग जैकेट भी देख रहा हूँ। ऑल्दो मेरे पास एक राइडिंग पैंट और एक राइडिंग जैकेट पड़ी है घर पे, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि अभी अपन उस पर पैसा ना लगा के सिर्फ एक राइडिंग पैंट पे पैसा लगा लेते, देखते राइडिंग पैंट पसंद आती है नहीं आती। उसके बाद मेरे को अभी रामबाग KTM जाना है, मेरे को मेरी बाइक का ना कॉन्सेप्ट चेंज करवाना है, देखते हैं वहाँ पे टाइम लगा तो फिर मैं वो भी स्किप कर दूंगा। अभी मेरी बाइक में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए अभी कॉन्सेप्ट का काम अपन करवा लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो राइड होने वाली है ना काफ़ी लंबी होने वाली है। अगर मेरे को राइडिंग पैंट मिल जाती है तो ठीक है, वरना जो मेरे पास घर पर राइडिंग और राइडिंग जैकेट और जो राइडिंग बूट पड़े हैं उनको अपन पहन के चलेंगे इस ट्रिप पर। चलो दिखाओ जी। और हाँ, हेलमेट के रिगार्डिंग में आप लोगों को बताना भूल गया कि मेरे को एक मोटोक्रॉस हेलमेट चाहिए था, लेकिन अभी है नहीं इन लोगों के पास। और जो हेलमेट मेरे को पसंद आया ना, उसको आने में 15 से 20 दिन लगेंगे, तो अभी उस चीज़ को स्किप करते हैं, क्योंकि उस हेलमेट में प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं लॉन्ग राइड में पहनूंगा ना तो फिर मुंह पे ना कीचड़ वगैरह आता है, जो कि अपने को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और वेदर ना काफ़ी सही हो गया है, सो बाइक के ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉन्सर्ट का भी अगर टाइम लगा तो मैं भी स्किप कर दूंगा, क्योंकि बस कभी कभार लगता है कि यार कॉन्सर्ट में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इससे छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। पता लगा सही चल रहा था सब कुछ और मैंने होशियारी कर दी ज़्यादा ही, तो एक बार मैं पहले चेक करवाऊंगा, अगर लगा कि चेंज करना चाहिए अपने को कॉन्सर्ट तो वी विल डू इट, अदरवाइज। अरे भाई, अपना भाई कौन है? मैं सोचा जाने से पहले मिल तो लूँ ट्रिप पे, पहले हमारे केजरीवाल सर से मिलना भी जरूरी है। आओगे तो दिल्ली हो जाएगा हमारे का। तो अभी कॉन्सेट वाला काम ना अपन ने होल्ड पे डाल दिया, रीज़न उसके पीछे ये है कि अभी जो मेरा कॉन्सेट है ना वो अभी सेट हो रखा है, मतलब ऐसा रिस्क हो जाएगा अगर मैंने चेंज कर दिया, अगर रास्ते में कुछ भसड़ हो गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लस अभी ना टाइम भी बहुत कम है, क्योंकि मेरे को सारी हेडलाइट वगैरह भी उतारनी पड़ेंगे, इसमें 3 से 4 घंटे लगेंगे। सो अभी जाकिर भाई भी ये बोल रहे कि एक बार ना ट्रिप पे होके आ जाओ, उसके बाद ना चेंज करवा लेना, अभी तक तो ऐसा मेरे को भी इतने कोई बड़ा इशू नहीं लग रहा है, तो मतलब ये ट्रिप तो मैं कम्प्लीट कर सकता हूँ आई गेस। ऑलराइट जी, अब निकलने का टाइम हो चुका है। पहले मैंने सोचा था कि एक डिफरेंट व्लॉग बना के डालूंगा, जिसमें मैं मेरे राइडिंग गियर्स वगैरह दिखाऊंगा, जिसके बारे में अपन इतने दिनों से बात कर रहे थे कि भैया अपने राइडिंग गियर्स आ चुके हैं, उनको रिवील करना है, लेकिन रिवील कर ही नहीं पाए। तो बढ़िया बात यह हो गई है कि अपन जब ट्रिप पर जा रहे हैं ना, इनका पूरा एक डिटेल रिव्यू अपन बना सकते हैं, मतलब आने के बाद। सबसे बुरी बात यह है कि मैं सुबह से सोया नहीं हूँ, मेरी आंखों में आप लोगों को नींद दिख रही होगी। सुबह जल्दी उठ गया था, फिर ऑफिस का काम कंप्लीट किया, फिर पैकिंग करी। आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा कि मैंने क्या क्या मेरा सामान है, क्या सारी चीज़ें हैं, अभी आप लोगों को जैकेट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे है अपनी जैकेट, यहाँ पे है अपनी पैंट और यहाँ पे है अपनी राइडिंग बूट। अभी देखते हैं कैसे रहने वाले हैं इस ट्रिप के ऊपर। तो चलो अभी निकलते हैं, बहुत लेट चुके हैं भैया। 10:30 से 11:30 करवा दी, पहुँचा ना मैं, फिर जाते जाता हो जाए एक ठुमको रम्मारी। सो पहला फ्यूल ब्रेक भाई साहब। अरे यार भाई साहब, इतनी तगड़े पसीना आ रहे थे यार, मेरा टैंक यार। आपको लगा थैले में डलवाओ। सो एज़ यूजुअल वी विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग कि कितने का माइलेज दिया पूरी ट्रिप पे एंड कितने का फ्यूल लगा है। सो अभी क्या करेंगे ना अपन, जहाँ तक कार्ड स्वैप होगा वहाँ तक तो कार्ड से पेमेंट करेंगे, जिससे मैं स्टेटमेंट ईजिली निकाल पाऊँगा। रुक जाओ भैया, फ़ोन आ रहा है। हो भाई, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है ना, शाम को क्या बारिश हो गई ना हल्की सी, इसलिए। तो बाकी अभी मैंने क्या बैग वैग दिखाया नहीं है, मैंने क्या क्या सारी चीज़ें रखी है, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल नहीं होगा। मैं चाहता हूँ दिन के उजाले में दिखाऊँ आपको, और आज अपने पास पूरी रात है यार बात करने के लिए। क्या बात है, वाह जी वाह। बस आप कॉमेंट कर दो भाई के एक्साइटमेंट के लिए, जिससे वीडियो बनाने में ना मज़ा आना चाहिए मेरे को बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में, धूम मचा देंगे बाकी हम। और पूरा अपनी और अपने सारे दोस्त आ चुके हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे, बाकी जो 4 राइडर पीछे चल रहे हैं उनको भी आप जानते हैं। बस आप लोगों को ये बोलूंगा, अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और जो बेल आइकन है ना उस पर प्रेस करके ना नोटिफिकेशंस पे ऑल कर लेना, जिससे आपको सारी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी और आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी हम लोग किस साइड पे जा रहे हैं। और बाइक चलाने में जो मज़ा आ रहा है ना भाई, ये फीलिंग है ना भाई, एक बाइकर ही समझ सकता है। अभी अपन जयपुर से यहाँ तक आ चुके हैं 215 किलोमीटर, जो अभी बाइक में जो मैंने रिफ्यूल करवाया तब आया 8 लीटर, मतलब 8 लीटर में अपन ने 215 किलोमीटर चला दी। जो स्पीड थी 80-90,
ये पेरिफेरल रोड पे हार्डली 2 या 3 किलोमीटर के बाद उसके बाद एकदम खाली रोड होगा और मजा आएगा चलाने का। पहले ही दिन कांड हो गया। अबे ये खुला पड़ा था, देख रहे हो? बची गया पैनी यार, पकड़ना एक बार, पकड़ना। क्या गया, कोई दूसरा कार वाला या बाइक वाला जाता। अरे एक पेज गिर गया इसका, ये वाला बचल गया, ये वाला। अब ये 3 पे ही चलेगा? नहीं चलेगा। है? 3 पे नहीं चलेगा? उधर वाला देखना। तो इसको लोग वोग नहीं किया था क्या? नहीं, अरे लॉक तो है। ओहो, अरे अब समझ में आ गया। रुको रुको रुको, ये गिर गया, इसका पेज खोल के गिर गया। बट कोई नहीं, अभी तो चला देंगे इसको। वैसे अभी रुको, इसको है ना टाइट कर देता हूँ। तो भाई कांड हो गया, बची गए, नहीं तो आज सब चला जाता, ड्रोन व्रोन सब चला जाता इसी में ही। इसको बंजी कॉर्ड से बांध देता हूँ, वैसे हिल नहीं रहा इतना, है ना। अभी बताता हूँ क्या गड़बड़ हुई है आपको। ये इधर आओ, ये देखो, ये निकल के भाग गया, एक निकल के भाग गया, एक पेच निकल के भाग गया। बच्ची गए तो खुला पड़ा था, बच गया, मेरा फोन गिर गया। फोन गिर गया कहाँ है? आपका क्या गिरा? एक आइडिया आ गया, पता है क्या? इधर आओ। अब देखो ये तो गिर ही चुका है, ये खोल के यहाँ लगा देंगे, क्या दिक्कत है भाई? ये खोल के यहाँ पे लगा देंगे ना, तो इसका है मेरे पास इसका जुगाड़। अरे यार ये सही दिख गया ना, कि अगर ब्रेक नहीं लिया होता ना तो भाई आज पेनियर के साथ ना मेरा कांड हो जाता। भाई बच गया, सच्ची बता रहा हूँ, इसके अंदर मेरा ड्रोन व्रोन सब था। ये जहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बाइक रोकी ना, देखा भाई मेरा पेनियर के लॉक था ना, वो खुला हुआ था। सो भाई अब यही एक ऑप्शन बचा है, मैं सोच रहा हूँ इसको खोल के ना लगा ही देता हूँ, एक बार देखना पड़ेगा मेरे को पूरा। अरे जो बोल्ट है ना, इसको मेक श्योर करना पड़ेगा कि लूज तो नहीं है। ओहो भाई लूज ही पड़े हैं, बाकी सब टाइट है। एक वाइप ले लो। सो फाइनली रास्ता मिल गया, ये वाला जो था ना यहाँ का, मैंने खोल के ना यहाँ पे लगा दिया, इसको फुल टाइट कर देता हूँ भाई, नहीं तो ना कांड हो जाएगा। ऑल सेट भाई, ट्रिप खराब हो जाती है, अब मूड ठीक है, अब कॉफी पीते हैं। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never run. So bhaiya, incident number 3. Pehla phone gira, dusra mera pioneer bache, lekin teesra jo incident hua na, usme bach nahi paaye. Kaun explain karega, aap karoge? Lakshmi bhaiya ko to thand lagne lag gayi hai incident sunke. Ankit bhaiya? अंकित भाई आप बता रहे हो, मैं ही बता दूं? 23 किलोमीटर पीछे 23 किलोमीटर। तो भैया जो हमारे साथ हिमालयन थी ना, उसका टायर पंचर हो गया पेरिफेरल पे, हम ना पीछे जा सकते हैं। अब यहाँ से हम लोगों को 23 किलोमीटर, आप जाओगे? नहीं जा सकते। अब मेरे को ये बताओ कैसे आ रहे हो? अभी हम लोगों का प्लान था मनाली जाने का, सोनीपत को ही मनाली घोषित करना पड़ेगा आज। ये आदमी तो कह रहे हैं वापस जा रहा हूँ जयपुर। आप निंजा बन के क्यों खड़े हो? हैं? हेलो निंजा, प्लीज एंटरप्राइज। ये जो निंजा वाला टोपा पहना है ना, इसका कुछ कमाल दिखाओ अब आप। हम तो यही होटल ले रहे हैं। टायर्ड हो गए क्योंकि वेट करते करते ना नींद आ रहा है। एक आध झपकी ले लो। आ मेरा राजा बेटा आ जाए, सो जा। या साला बाइक पंचर हो गया, ये देखो आदमी सोने के लगे इसको। मेरे राजा को केसर वाला दूध तो पिला दूं सोने से पहले। गुलाब मामन खाओगे क्या? वो पंजाबी खट्टी पिचकारी, खट्टी पिचकारी। लग रहा होटल वोटल लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। यही पे डिनर ब्रेकफास्ट सब करने का इरादा हो रहा है भाई।
कल से सोए नहीं है ढंग से, राइड करे जा रहे हैं, मतलब अभी तक थकावट महसूस नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे ज्यादा देर बैठ के अगर कुछ खा लिया ना, सही बता रहा हूँ, यही लेट जाएंगे। लाओ भैया चाय तो लिया, चीयर्स। लो पहला दिन तो कैसे तिल मिला रहे हैं गोलगप्पे के लिए। ये क्या कॉम्बिनेशन है। लो भैया ये तो ढेर हो चुका है, अभी बाइक का पंचर निकल गया और वो लोग ऑलमोस्ट आने ही वाले हैं 5 से 10 मिनट के अंदर। ये एनर्जी एकदम बरकरार है, बिल्कुल सनराइज हो चुका है उस साइड में। मैं सोच रहा हूँ ड्रोन शॉट निकाल ही लें यार। सो अभी मैं ड्रोन निकाल लें, उससे पहले बाइक दिखा देता हूँ आपको। तो पहली जो बाइक है वो है हमारे पास ट्रायम्फ स्ट्रीट RS, फुली रैप्ड पूरी लग रही है। और यहाँ पे अपनी एडवेंचर 390 ये भी रैप हो रखी है। और यहाँ पे वो जो रात को टूट गया था अभी तो कर दिया है जुगाड़, लेट्स सी आगे कैसा रहता है इसके साथ। थोड़ा अभी भी मेरे को डाउट है बट कोई बात नहीं। यहाँ पे है BMW 1250 GSA लक्षण भाई की, इसको अपन ने अभी अभी रैप किया है। तो इस ट्रिप पे आने से पहले इसको भी रैप किया है, काफ़ी मस्त लग रही थी। आ गए आ गए आ गए, पर दो ही कैसे आए। राइड कर रहे हैं तो सारा पोटेंशियल चेक हो गया।